बिग बॉस के घर में अभिनव और रुबीना में जैस्मिन को लेकर क्या बात हुई, किस टास्क का जिक्र किया और अभिनव ने उसे रुबीना को किस बात की याद दिलाई। मैं हिना कुमावल फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। आपको याद होगा वो बंटवारा टास्क जिसमें जैस्मिन निक्की एक तरफ थे, रुबीना एक तरफ थी, उसी को लेकर जो है टास्क को लेकर बातचीत निकली कि वो ये जो टास्क था यूनिट्स वाला, निक्की ने कहा कि तू 100 पॉइंट लिख लेती, नहीं लिखती, तो अभिनव कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो है बंटवारा टास्क में भी यही हुआ था, तो जिस पर रुबीना उन्हें समझाने लग जाती हैं और अभिनव कहते हैं कि देख तुझे ना समझना ही नहीं होता है, तूने ना बातें सुनना ही बंद कर दिया है, शायद ये इस घर का असर है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो काउंटर चीज़ें थी तूने नहीं बोली थी, जिस पर रुबीना कहती हैं कि यार मतलब मुझ पर कोई बोलता जाए ठीक है, लेकिन मैं किसी और पर जीतने के लिए सिर्फ झूठी झूठी बातें बोल दूँ वो तो मेरा नेचर ही नहीं है ना, मैं दूसरों पर झूठे लांछन थोड़ी ना लगा दूंगी जीतने के लिए जो मैं नहीं कर सकती। तो अभिनव ने जैस्मिन का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारे इसी बात की ओर था कि कैसे जैस्मिन ने ये सारे जब लांछन लगाए थे और तुमको लेकर वो सारी बातें बोल रही थी, किचन को लेकर, टॉयलेट एरिया को लेकर, तब जो है अच्छे से पॉइंट्स रखने चाहिए थे। तो एक बात तो तय है कि अभिनव के मन में अभी तक इस बात को लेकर है कि जैस्मिन ने जो सारी चीज़ें बोली थी उसको लेकर रुबीना भी अगर कुछ भी बड़ा चढ़ा कर बोलती तो उस समय वो वाला टास्क ये लोग जीत सकते थे, जिस पर उनका कहना था कि मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकती हूँ झूठ बोलकर, भले ही उसके बाद मुझे जो है टास्क जीतने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं कि दूसरों के बारे में गलत बोलती रहूँ, झूठ बोलती रहूँ और लांछन लगाती रहूँ और टास्क जीत जाऊँ। तो जैस्मिन का नाम लिए बिना अभिनव और रुबीना इस बात का जिक्र कर रहे थे टास्क का, जिसमें रुबीना ने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि अगर वो ये टास्क खा रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और झूठे लांछन लगाए गए थे।